अच्छा बच्चों, हम इसके बारे में बात कर रहे थे और क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का क्वेश्चन है कि ये रिपीट करना है। आसान अल्फाज में मैंने ये बताया कि जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है बेसिकली वो उसको सिंपल समझो। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है कि ग्रुप सेम है, ठीक है, ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम ईच सब ग्रुप। अब इसके अंदर क्या किया कि जैसे क्लास है उसके अंदर लड़के इकट्ठे कर दिए, लड़कियां एक तरफ कर दी, एक ग्रुप लड़कों का बना दिया, एक लड़कियों का बना दिया। तो इसके अंदर क्या है कि ग्रुप के, अब आप लड़कों का ग्रुप देखते हो, सारे के सारे क्या है, लड़के हैं, यानी कि एक ग्रुप के अंदर जितने इंडिविजुअल थे सारे सेम हो गए। दूसरा ग्रुप देखते हो लड़कियों का, उसके अंदर सारी लड़कियां हैं, तो एक इस वाले ग्रुप के अंदर भी सारे एक जैसे हो गए, ठीक है। तो ग्रुप्स के आपस में जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है दे ऑल आर सेम, लेकिन अगर दोनों ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करें, एक दूसरे से कंपेयर करें, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है, एक टोटली बॉयज है एक टोटली गर्ल्स है। ये होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जो क्लस्टर सैम्पलिंग है इसके अंदर आप रैंडम क्लस्टर बनाते हो। रैंडम क्लस्टर से मुराद है कि ओवरऑल आपने देख लिया, अब उसके अंदर हर क्लस्टर के अंदर लोग डिफरेंट हो सकते हैं, हर क्लस्टर के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हो सारे ग्रुप्स को, क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 की ही तरह का लगता होता है, क्लस्टर 2 क्लस्टर 3 ही की तरह का होता है। ओवरऑल जब एवरेज एक आंसर आता है ना, एक होता है कि ओवरऑल देखना, मतलब सिंगल सिंगल को जाके देखना। अब पहले वाले के अंदर क्या था, एक सारे लड़के एक सारी लड़कियां, इसके अंदर आपने रैंडमली बनाए, लेकिन जब आपने ओवरऑल देखा तो देखा कि सब में ही तकरीबन 70% गर्ल्स थी 30% बॉयज थे। जब क्लस्टर 2 देखा 70% गर्ल्स थी 30% बॉयज थे। जब क्लस्टर 3 देखा 70% गर्ल्स थी 30% बॉयज थे। अब हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, हर ग्रुप आपस में अपने अंदर ही डिफरेंट हो गया, लेकिन जब आप सारे ग्रुप्स को आपस में कंपेयर किया एक दूसरे से तो वो सारे सेम हो गए, तो डेट विल बी क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो है वो एक्सीडेंटल आ जाती है, जिसको आप कहते हो हैफ हैजर्ड और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ट्रेडिशनल मैन ऑन द स्ट्रीट इंटरव्यू कंडक्टेड फ्रीक्वेंटली बाय न्यूज प्रोग्राम टू गेट अ क्विक नॉन रीडिंग ऑफ द पेपर पब्लिक ओपिनियन। एक्सीडेंटल से मुराद होता है कि ऐसे कोई प्लान नहीं होता कि आपने रिव्यू करना है, ना ही देने वाले को पता होता है, मतलब जो बोल रहा है जो इंटरव्यू देता है उसको भी नहीं पता होता कि क्या पूछा जाएगा उसे। जो एक न्यूज रिपोर्टर है सड़क पे निकला, इंटरव्यू किया लोगों का, पता कर लिया, कोई बात पूछ ली, ठीक है, तो डेट विल बी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। अब ना जो पूछने वाला है ही डोंट नो कि किसको बात करें ना, मतलब उसको नहीं ना पता कि किसको चूज करना है, या कुछ स्पेसिफिक उसने कुछ स्टैंडर्ड चूज किया मैं इससे पूछूंगा, और रैंडमली क्या, हाँ जी किसको वोट देंगे आप, किसको देंगे आप, किसको देंगे, तो ये एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है। जजमेंट ही सिलेक्ट यूनिट टू बी सैम्पल बेस्ड ऑन हिज ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन हिज प्रोफेशनल जजमेंट। अब यहाँ जो नॉन प्रोबेबिलिटी है ये जजमेंट सैम्पलिंग क्या होती है कि वो खुद चूज करेगा कि अपने प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे कि किसको एज अ सैंपल चूज करना है। इफ आई वांट टू स्टडी डायबिटीज इन पाकिस्तान तो मैं डायबिटिक्स को चूज करूंगा। अब डायबिटिक कौन होता है, दैट विल बी माई प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, तो मैं उसमें चूज करूंगा कि अगर इसका किसी का ये स्टैंडर्ड है या इस तरह करके उसके ब्लड शुगर लेवल आ रहा है तो फिर वो डायबिटिक है, और मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा या उसको एज अ सैंपल चूज करूंगा, तो दैट विल बी द प्रोफेशनल जजमेंट, और इसको जजमेंट सैंपलिंग कहेंगे। कोटा सैम्पलिंग, इसके अंदर आप नॉन रैंडमली फिक्स कोटे के तौर पर लोगों को लेते हैं, जिसमें आपकी कोटा एडिशन होती है, ठीक है, ये वुमेन कोटा, बलूचिस्तान कोटा, तो इस तरह वो स्पेसिफिक लोग हैं वही आ सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग भी आती है, सैंपल आर सिलेक्टेड रैंडमली बट अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, इट इज टर्म्ड एज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसके अंदर आप सिलेक्ट सिलेक्ट करोगे रैंडमली, लेकिन आप एक क्राइटेरिया रखो, ठीक है, सिलेक्ट रैंडमली होने, रैंडमली से क्या मतलब है, जिसमें पहले वाले के अंदर हमने कोई भी रैंडमली, रैंडम जो ऊपर वाली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग थी ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके अंदर मैं क्लास में गया, मैंने कहा जी हाँ जी फलां फलां रोल नंबर, फलां रोल नंबर, फलां रोल नंबर आ जाए, तो कोई क्राइटेरिया नहीं मैंने सेट किया। लेकिन अगर मैं स्टडी ये करना चाह रहा हूँ कि न्यूट्रिशन के बच्चों के अंदर जो है वो, या निफसेट के बच्चों के अंदर जो है इनकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, तो मैं किसी भी क्लास में नहीं जाऊंगा, मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि पहले मैं निफसेट जाऊंगा, निफसेट में जाकर रैंडमली सेलेक्ट कर लूंगा लोगों को, ठीक है। तो रैंडमली, तो उस जब मैंने रैंडमली चूज किया तो एक क्राइटेरिया सेट हो गया, एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लग गई कि सिर्फ निफसेट के लोग, और उसके अंदर जो है वो रैंडमली सैंपल सेलेक्ट हो गया, किसी भी क्लास से कोई दो ले लिया, किसी क्लास से तीन ले लिए, इस तरह रैंडमली मैंने चूज कर लिए, एक क्लास के अंदर कुछ रैंडम रोल नंबर उठा लिए, तो दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। और इसके अंदर जो एक टाइप है दैट इज अ परपजिव सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर सब टाइप है परपजिव सैम्पलिंग, और परपजिव सैम्पलिंग के आगे चार सब टाइप्स हैं। इसमें पहली जो एक्सपर्ट सैम्पलिंग आती है, इसके अंदर क्या है कि इन्वॉल्व द असेंबलिंग ऑफ अ सैंपल ऑफ अ पर्सन विद नॉन और डिमोन्स्ट्रेबल
एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन सम एरिया। इसमें आप उन लोगों को लेते हो जो फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, डाइटिशियन। डाइटिशियन पे आप सर्वे करना चाहते हो, डाइटिशियन को चूज करना चाहते हो, उनसे नॉलेज लेना, तो डाइटिशियन को चूज करते हो। डाइटिशियन आपका सैंपल है, यानी आप उनसे क्वेश्चंस करोगे या आप उनको असेस करोगे, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग, इसमें वो जिसने ये ऊपर भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी आ गई है सेम टू सेम ही। हेटरोजेनिटी सैम्पलिंग, आप इसमें चेक करना चाहते हो कि लोगों के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है, लोगों के ओपिनियंस के अंदर या एक डाटा के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है, बिस्किट के अंदर मॉइस्चर की कितनी वेरिएबिलिटी है, तो दैट विल बी हेटरोजेनिटिक सैम्पलिंग। जैसे आप इंटरव्यूअर है, वो निकलता है, वो जाके लोगों से पूछता है आप किसको वोट देंगे, आप किसको देंगे, अच्छा कोई रेंडम आएगी, ठीक है, या आपका क्या लगता है कि मुल्क के हालात कैसे हैं, तो बहुत सारे ओपिनियन, बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे जो है ना वो लोगों के जो है ना बिलीव्स आएंगे कि ये ऐसे ऐसे, तो इससे आपको हेटरोजेनिटी पता लगती है कि ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर कितना फैलाव है किसी एक ट्रेंड का, ठीक है, डिफरेंट ट्रेंड्स हैं, कितने ट्रेंड्स फैले हुए हैं, कितनी ओपिनियंस हैं, कितना कुछ है, ठीक है, तो उसको कहते हैं। और स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग सिंपल सा तरीकेकार होता है। स्नोबॉल क्या होती है, बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग समवन हु मीट्स द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन योर स्टडी। आप पहले एक बंदे को चूज करते हो जिसको, जो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है, आप एक स्टैंडर्ड देखते हो कि इस तरह का मुझे चाहिए बंदा या प्रोडक्ट, मेनली तो बंदे के लिए, इंसानों के लिए होता है ये चीज। अब आप उसे कहते हो कि आपने एक ऐसा पर्सन चूज कर लिया जो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक था, और उसके बाद कहते हैं कि वो अपने दोस्तों को भी ले आए या वो उनको रिकमेंड करे जो उसके जैसे हैं, ठीक है, उस वो बेहतर जानते हैं। जैसे अगर मुझे कहा जाता है कि हमने निफसाइड के बच्चों को के मेंटेलिटी लेवल का चेक करना है, तो एक पर्सन मेरे पास आया जो जो असेसर था या जो बेसिकली साइंटिस्ट था, और मेरे पास आया, उसने मुझे चूज कर लिया कि हाँ जी आप मेरे लिए एज अ सैंपल काम कर सकते हैं। अब वो आगे बाकियों को खुद चूज नहीं करेगा, वो कहेगा हाँ जी आप बाकियों को खुद ले आए। अब मुझे तो पता है ना, अब उससे नहीं पता कौन निफसेट का बच्चा है कौन नहीं है, वो ओवरऑल यूनिवर्सिटी में फर्ज कर लो फिर रहा था, लेकिन उसने मुझे मुझे कह दिया, तो मुझे पता है अच्छा ये निफसेट का है, ये फलां है, ये फलां है, तो मैं उनको चूज करता जाऊंगा। तो दैट इज स्नो बॉल सैम्पलिंग। स्नो बॉल क्या होती है कि जब आप ऊपर से एक स्नो की बॉल बना के एक पहाड़ से फेंकते हो, तो वो साथ ही अपने जैसी चीजों को लपेटती जाती है, मतलब अपने साथ ही स्नो को लपेटती जाती है और बड़ी होती जाती है। तो इसी तरह वो उसने एज अ स्टार्टिंग बॉल मुझे चूज किया, और मैं जो है वो अपने साथ अपने जैसों को चूज करता जाता हूँ कि ये भी एज अ सैंपल काम कर सकते हैं, ठीक है, एज अ सैंपल उसके लिए फिसिबल है, तो उसको कहते हैं स्नो बॉल सैंपलिंग। प्रॉब्लम इन सैम्पलिंग है स्टोरेज, ये देख लेना, इसके अंदर ऐसे कुछ भी नहीं है, स्टोरेज है, लाइट सेंसिटिविटी, ऑक्सीजन सेंसिटिविटी हो सकती है, कुछ चीजें, कोई चीजें केमिकल अनस्टेबल हो सकती है, तो आपने सैंपल को स्टोर करना होता है ना, जब तब कुछ सर्टेन फूड्स होते हैं उनके अंदर, जैसे प्रिजर्वे यूजिंग सर्टेन प्रिजर्वेटिव लाइक मर्क्यूरी, क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड क्लोरोफॉर्म। अब कई फूड्स के अंदर आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, करते हो, तो ये नुकसानदेह भी हो सकते हैं या रिक्वायर होते हैं, ठीक है। ये सोल्यूशन भी दिए हुए हैं और कुछ वो भी दिए हुए हैं, प्रॉब्लम भी दी हुई है, जैसे स्टोरेज के इशू है, तो पूरे स्टोरेज से खराब हो सकता है सैंपल, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि उसको एयर टाइट रखें। लाइट सेंसिटिव सैंपल है, कुछ ऐसे सैंपल होते हैं जो लाइट से खराब हो सकते हैं, तो उनको ओपेक ग्लास, ओपेक जिसके अंदर से लाइट पास नहीं कर सकती, उसमें कर रखें, या एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें। जो ऑक्सीजन सेंसिटिव है उनको नाइट्रोजन या किसी इनर्ट गैस के अंदर अंडर रखें, और इस तरह बाकियों के भी सोल्यूशन वगैरह दिए हुए। लीगल सैंपल जो होते हैं, और फीचर एंड लीगल सैंपल मस्ट बी प्रॉपरली मार्क्ड एंड सील्ड टू अवॉइड टेम्परिंग। ये जो लीगल सैंपल होते हैं, जैसे कोई वारदात से या कहीं से आपको इकट्ठा हुआ है कोई सैंपल वगैरह, तो उसको वहीं पर सील करें, सील करके उसको जो है वो मार्क कर देंगे ये फ्लॉ डेट का है या जो भी, उसके ऊपर मार्किंग करनी है, ताकि उसकी जो है वो टेम्परिंग, टेम्परिंग कहते हैं कि उसके अंदर कोई रद्दबदल ना किया जा सके, बिकॉज वो एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होना होता है, ठीक है। और इसके इस लीगल सैंपल के ऊपर डेट ऑफ सैंपलिंग, नाम, और जो सैंपलिंग एजेंट है जिसने सैंपल उठाया है, पिक किया है, उसका जो है वो साइन हुए होने चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सैंपल्स, जनरल साइज रिडक्शन, बेसिक वही स्टेप है, वही पहला वाला पॉइंट ये है कि बेसिक जो हमारा पर्पज है सैम्पलिंग का, वो क्या है कि ओवरऑल जो एक पॉपुलेशन है जो सैम्पलिंग, उसका साइज क्या कर लें आप, कम कर लें, असेसमेंट जिनकी करें, और ओवरऑल जो है वो उसको पूरी पॉपुलेशन पे आप जनरलाइज कर लेते हो। अगर सैम्पल साइज बहुत बड़ा है तो मतलब इफ सैम्पल साइज इज टू लार्ज फॉर एनालिसिस, रिड्यूस इट इन बल्क और पार्टिकल साइज। अब दो हिस्सों में आप दो तरीकों से आप उसको कम कर सकते हो, बल्क में, बल्क से मतलब है कि बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ है तो आप कम कर लेते हो, बल्क से जैसे आटा है, ठीक है, 20 किलो की बोरी है, तो आप सारे को तो एज ए सैंपल इस्तेमाल कर रहे हो, उसका बल्क कम कर लिया, बल्क कम करने से मतलब है कि आपने उसमें से पाया ले लिया या आधा किलो ले लिया या आपने किलो ले लिया 20 में से, तो दैट विल बी रिड्यूसिंग द बल्क। या पार्टिकल साइज कम करने से क्या मुराद है कि बड़ा साइज था उसको छोटा कर दिया, जिस तरह ये हमारा तरबूज है, अब वो बड़ा है,
उसको थोड़ा कर, एक ही तरबूज का अगर एनालिसिस करना तो पूरे तरबूज को नहीं उसमें एज अ सैंपल चूज कर ले, आपने उसमें से एक स्लाइस काटी है उसको एज अ सैंपल चूज कर लिया, तो पार्टिकल साइज भी कम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई मिसाल इसकी, गूंदा हुआ आटा अगर आप ले लेते हो तो उसमें आप पार्टिकल साइज को ही कम करते हो, यानी कि वो पूरा आटा जो है वो बड़ा जो एक परात में पड़ा हुआ है, या वैसे फैक्ट्रियों में तो पूरा एक वो कंटेनर में पड़ा हुआ है, दैट इज द होल पार्टिकल साइज, सिंगल पार्टिकल साइज है, उसमें से आप उसको कम कर सकते हो, तो उस तरह भी आप चूज कर सकते हो। डिवाइड सैंपल इंटू 4 क्वार्टर एंड टू चूज टू अपोजिट क्वार्टर्स, रिपीट द प्रोसेस ऑन सिलेक्टेड क्वार्टर इज सैंपल इज टू लार्ज। तो अब सैंपल को रिडक्शन, जनरल साइज रिडक्शन का तरीकेकार क्या है, कि अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि हाउ टू रिड्यूस अ सैंपल, हाउ टू रिड्यूस द बल्क और साइज ऑफ अ सैंपल पॉपुलेशन टू मेक अ सैंपल, या हाउ टू मेक अ सैंपल, तो उस सारों के अंदर क्या होता है, ये आपके पास सैंपल पड़ा था, इसके 4 क्वार्टर कर देते, ठीक है, इस तरह 4 हिस्से कर देते हो, सॉरी ये हिस्से बराबर नहीं हुए, देख लेना इसको, ये 4 हिस्से हो गए, 1, 2, 3 और 4। अब दो ऑपोजिट साइड के क्वार्टर उठाओगे, यानी कि अगर एक ये उठा लिया ये ऊपर वाला, तो दूसरा ये उठाओगे ऑपोजिट साइड में, और अगर ये उठा लिया तो ये उठाओगे, तो कोई दो ऑपोजिट साइड वाले, या ये दो उठा लोगे या ये दो उठा लोगे, ठीक है। अब इसमें से जो आपने दो चूज कर लिए हैं, इनमें फिर से अभी भी अगर आपको लगता है कि सैंपल साइज बड़ा है, तो ये जो दो चूज किए हैं इनमें से फिर से एक में से फिर उसके 4 हिस्से कर लो, इसमें से ऑपोजिट वाले उठा लो, इनमें से फिर देख लो कि अगर स्टिल सैंपल साइज बहुत बड़ा है, आप उसके अभी भी एनालिसिस नहीं कर सकते, तो आप उस वाले को भी उसी समय डिवाइड कर दोगे अंटिल यू गेट द अप्रोप्रिएट साइज सैंपल साइज। मतलब अगर ये पूरी लॉट जो है वो 100 किलो की थी, आपने उसको डिवाइड किया 4 हिस्सों में, तो 25-25 किलो की 4 लॉट बन गई। अगर स्टिल जो थिंक ये अभी भी सैंपल साइज बड़ा है, तो आप उस 25 वाले को फिर से जो है वो और डिवाइड कर लोगे, ताकि आपके पास ओवरऑल एक जो है वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इधर से भी चेक करते जाओगे, ये इनमें से भी करते जाओगे, ताकि आप फाइनल जो सैंपल साइज है वो फिर एक इसमें से ले लोगे, एक इसमें से ले लोगे, मिक्स करके उसको प्रॉपर चेक कर लोगे। मेकिंग सैंपल होमोजीनियस, द टाइप ऑफ होमोजीनाइजेशन मेथड यूज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ फूड बीइंग यूज्ड। होमोजीनियस सैंपल होना लाजमी है। देखो अगर मैं ये सिर्फ एक ही क्वार्टर को लेता जाऊंगा, तो मेरा सैंपल हो सकता है सिर्फ यहाँ से आए, तो इतना इस साइड वाला सैंपल इस पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पे भी क्वार्टर करता गया, यहाँ पे भी क्वार्टर बनाया, तो एक यहाँ से चूज हो गया, एक यहाँ से चूज हो गया, तो दैट विल बी सम हाउ सैंपल, मतलब उस हिसाब से एक होमोजीनियस हो सकता है, क्योंकि वो इस साइड को और इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो है ये इस साइड को और इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे आप ओवरऑल एक एवरेज आंसर ले सकते हो, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास फूड कौन सा है, और उसी की बेस पे आप डिसाइड करते हो कि आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है सैंपल को होमोजेनाइज करने के लिए, सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड है। होमोजेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड यूजिंग मैकेनिकल डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे ग्राइंडर है, दो अगर आपने दानों का चेक करना था, या किसी मसालों का चेक करना था, मसाले लिए ग्राइंड कर दिए, मिक्स कर दिए, या स्लाइस कर लिए, ब्लेंड कर लिया, ताकि होमोजेनाइजेशन आ जाए, सारे के सारे सैंपल जो है वो एक जैसे हो जाए। इंजाइमेटिक मेथड है, जैसे प्रोटीएजेज हैं, सेलुलेजेज हैं, लाइपेजेज हैं, कि आपने उन पे अटैक, आपके पास बड़े थे जैसे फूड है, तो फूड के ऊपर आपने प्रोटीएजेज इस्तेमाल किए, जिससे जो है वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होगी और सारी प्रोटीन खत्म हो जाएगी, उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, और पीछे जो है वो सारों के पास जो है वो कार्ब और प्रोटीन फैट बच जाएगा, तो इससे भी आप होमोजेनाइजेशन ले सकते हो, ठीक है। केमिकल मेथड है, जिसमें एसिड या बेस को इस्तेमाल करते हो, आप एक स्पेसिफिक कंपोनेंट खत्म कर देते हो और बाकी कंपोनेंट सारा एक जैसा हो जाता है। ग्राइंडिंग है, एंजाइमेटिक एक्टिव इनएक्टिवेशन है, और लिपिड ऑक्सीडेशन प्रोटेक्शन है, ये डिफरेंट उसके अंदर लिखी हुई है, कि जैसे ग्राइंडिंग रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज टू अचीव सैंपल होम, ये भी डिफरेंट मेथड है, इन्हीं में से जो कुछ मेथड है उनकी डिटेल लिखी हुई है। ग्राइंडिंग आपको समझ आ गया, एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन है कि हीट जनरेशन टू इनएक्टिवेट एंजाइम एंड फ्री स्टोरेज फॉर लिमिटिंग एंजाइम एक्टिविटी। जैसे आपने मीट ले लिया है, मीट गोश्त का एक सैंपल लिया है, अब वो अगर आप फ्रीज में रख फ्रीजर फ्रिज या फ्रीजर वगैरह में रखते हो, तो एंजाइम उसके अंदर लाइव होते हैं, तो वो काम करते रहते हैं, तो आप क्या करते हो, एंजाइमेटिक हीट डिनेचर डिनेचर कर देते हो। हीट डिनेचर से मुराद है कि आप उसको हीट अप कर देते हो, जिसकी वजह से एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे तो वो उस प्रोटीन के ऊपर या उस फूड पार्टिकल को मजीद जो है वो उसको उसके ऊपर रिएक्शन जो है वो नहीं करने देंगे, या रिएक्शन होगा ही नहीं जब एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से सैंपल जो है वो आपका प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। लिपिड ऑक्सीडेशन प्रोटेक्शन, हाई फैट फूड जो होते हैं उनको आपको पता है उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो अब हाई फैट फूड जो है उनको ग्राइंड करना मुश्किल होता है, ठीक है, एंड मे नीड टू बी ग्राउंड वाइल फ्रोजन आइडियली।
अनसैचुरेटेड लिपिड शुड बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट प्रायर टू एनालिसिस। वो कहते हैं कि आप अगर आप फ्रोज कर लेते हो, लिपिड कंटेनिंग फूड है कोई, उसको अगर आप फ्रीज कर लेते हो तो डेफिनेटली यू नीड टू ग्राउंड दैट। ग्राउंड का मतलब है कि उसको पीसना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड लिपिड्स हैं तो उस केस में स्पेसिफिकली आपने सैंपल तब ही लेना है जब आपने एनालिसिस करना है, उसको रख नहीं देना। मतलब आज सैंपल ले और कल आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो फैट फूड के केस में आप इतना डिले नहीं करते, ठीक है। दैट वॉज ऑल अबाउट इट। अब इसमें से जो मॉर्निंग का पोर्शन है वो हम देख लेते हैं, मैं आपको साथ साथ देख लेता हूँ। इंट्रोडक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट आपको चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सैम्पलिंग है, ठीक है। डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट कंपोजिशन पर्पस सैम्पलिंग प्लान डिजाइन टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट ऑफ द न्यूट्रिएंट कंटेंट फॉर द नेशन। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट, मतलब ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली डिपेंड क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए, आपका पर्पस क्या है। न्यूट्रिशन कंपोजिशन पर्पजेज है कि आप ओवरऑल हाँ बस फूड जी, कंपोजिशन चेक हाँ करना जी, चाह रहे हो कि जिस तरह आपने वो देखे होंगे कि शायद न्यूट्रिशन नहीं, वो नहीं कंपोजिशन टेबल आपने है। देखे आप होंगे, क्या उसमें वे क्या अपना बोल फाइव ऑफ कर लो। आप न्यूट्रिशन कंपोजिशन आपने टेबल्स भी देखे होंगे, सैम्पलिंग प्लान डिजाइन टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट ऑफ द न्यूट्रिएंट कंटेंट फॉर द नेशन के एक स्पेसिफिक फूड के अंदर, एप्पल के अंदर ओवरऑल पाकिस्तानी एप्पल जो है उसके अंदर कितने कार्पोटीन फैट है, तो दैट इज न्यूट्रिशन कंपोजिशन। उसको अगर आप फाइंड करना है तो आप सैम्पलिंग कर सकते हो। लेबलिंग करनी है, लेबलिंग मुराद है कि अगर आपने किसी फूड की लेबलिंग करनी है कि लेबल इसके अंदर कितने कार्पोटीन फैट हैं और बाकी क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, तो उसके लिए आप सैम्पलिंग करके उसको एनालिसिस कर सकते हो। नेशन वाइड वर्सेज ब्रांड रीजन और रिसर्च बीफ कारकेसिस रिसर्च वगैरह, प्रॉपर वैसी रिसर्च लैब रिसर्च करनी है तो उसके लिए आप कर सकते हो। नेशन वाइड वर्सेज ब्रांड या रीजन वाइज, नेशन वाइड से मुराद है कि आप ये भी देख सकते हो कि ओवरऑल आपको पॉपुलेशन का पूरे एक नेशन का या एक पूरी कंट्री का डाटा चाहिए, या आप सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में उस रिसर्च को करना चाह रहे हो या उस एनालिसिस को परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो ये भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी। सिलेक्शन हो गया सैम्पलिंग प्रोसीजर की, ये मैंने बता दिया है। इसके अंदर हमने ये सैम्पल साइज की डिटर्मिनेशन भी कर ली है, वहाँ पे सैम्पल प्रिपेयर कैसे करते हैं ये, उसके ऊपर ये कुछ प्रोसीजर लिखे हुए हैं। ट्रीटमेंट है इसके अंदर माइलिंग, ये डिफरेंट यानी कि स्टेप्स लिखे हुए हैं। ट्रीटमेंट है उसके अंदर ये डिफरेंट कि कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ये एक्सट्रैक्शन है तो उसके अंदर कौन कौन से तरीके का आ रहे हैं। क्लीन अप है, एवेपोरेशन है, तो ये इस तरह स्टेप चलते रहते हैं, ठीक है। तो आपने पहले माइलिंग होता है उसको पीसना, फिल्ट्रेशन आपको पता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, वो एक मशीन होती है जिसकी वजह से जो हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। पीएच एडजस्टमेंट है, तो पहले आप सैंपल लेते हो तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है। ड्राई कर लिया, अगर हाइड्रोलाइज है तो वाटर ब्रेक डाउन हो, जो भी आपने करना है वो आप उसके हिसाब से करते हो। अगर उसकी पीएच एडजस्ट करनी है तो वो करते हो। तो सैंपल आपने लिया तो उसको पहले ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हो। अगर आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक सैंपल के अंदर कार्ब्स कितने हैं, तो आप उसमें से कार्ब्स को एक्सट्रैक्ट करते हो। या अगर आपने ये चेक करना है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का क्या लेवल है, तो आप उसमें से एंटीऑक्सीडेंट को क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। एनालाइट रिकवरिंग फ्रॉम द सैंपल, उस सैंपल में से आपने एनालाइट निकाल लिया, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट आप टेक्निक इस्तेमाल करते हो। उसके बाद क्लीन अप, क्लीन अप से क्या हम रहा है कि अब जब आप एनालाइट को निकालोगे, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट निकाल रहे हो तो एंटीऑक्सीडेंट के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जब एक्सट्रैक्ट होती हैं, जैसा कि अभी हमने वो चैप्टर 14 एक्सट्रैक्शन वाले के अंदर पढ़ा कि और भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती हैं, तो उनको क्लीन अप करना, उसके लिए डिफरेंट उसने मेथड लिखे हुए हैं, LLE, SPE, DASPE, ठीक है। नाम ये सिर्फ एब्रीवेशन याद रखनी है। और उसके बाद आप जो फाइनल आपका जो आपका एक्चुअल एनालाइट होता है उसकी आप कंसेंट्रेशन फाइंड करते हो, उसके लिए उसने मेथड क्या लिखा हुआ है, N2 स्ट्रीम, एक मेथड होता है यानी कि यूजिंग नाइट्रोजन स्ट्रीम है, उसके जरिए आपको टारगेट की जो जो आपका टारगेट एनालाइट है जो जिसको आप असेस करना चाह रहे हो, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट अगर हमें मिसाल मेरी मिसाल के मुताबिक उसकी क्या कंसंट्रेशन है उसको आप फाइंड करते हो थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होता है कि जो अदर सॉल्वेंट होते हैं वो उड़ जाते हैं और एक्चुअल एनालाइट जो है वो पीछे रह जाता है। ये कुछ प्रैक्टिकल उसने लिखी हुई है, होमोजेनाइजेशन, ग्राइंडिंग, एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन एंड डाइल्यूशन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि होमोजेनाइजेशन क्या होती है, ग्राइंडिंग, इसी में से कुछ ना कुछ उसने डिटेल निकाली हुई है। होमोजेनाइजेशन भी यहाँ पे होगी, ग्राइंडिंग ये लिखी हुई है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन है, उसके पर्पजेज लिखे हुए हैं, ठीक है। सैंपल लेते हो उसको स्टेबलाइज करते हो, स्टेबल से क्या मुराद है कि उसको रखते हो कि वो खराब ना हो जाए। उसके बाद प्रिपेयर करते हो, प्रिपेयर करने के बाद या तो वो सेपरेशन है या केमिकल रिएक्शन है, मतलब उसके ऊपर जो भी आपने करना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन अगर करते हो और
ये है रिपीट पे लगा हुआ, ठीक है। अगर आपको सही नहीं लगता कि नहीं अभी प्रोसेस सही नहीं हुआ तो रिपीट कर दो, ठीक है। और अगर आप लगता है कि केमिकल रिएक्शन के बाद सेपरेशन भी होनी चाहिए तो ये इस तरह भी, यानी कि दोनों तरफ से प्रोसेस जो है वो रिपीटेबल है। आप आए, केमिकल रिएक्शन किया, अगर ठीक था तो आगे चले गए, नहीं ठीक था वापस आ गए, फिर से केमिकल रिएक्शन कर लिया। अगर आपने सेपरेशन करनी थी तो यहाँ से घूमे वापस आके सेपरेशन कर ली, पहले सेपरेशन कर ली थी तो बाद में केमिकल रिएक्शन कर सकते हो। तो ये दोनों टेक्निक है, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो जो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टैंडर्ड्स। यहाँ से निकले तो आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव है। सिर्फ क्वांटिटेटिव करना है आगे चले जाओ, दोनों करने से क्वांटिटेटिव करके रिपीट करके क्वालिटेटिव करके फिर चले जाओ, ठीक है। पहले क्वालिटेटिव करना था फिर क्वांटिटेटिव करके फिर आगे चले जाओ। डाटा एक्विजिशन या डाटा प्रोडक्शन करते हो, रिडक्शन से मतलब है कि ओवरऑल उसको कम कर लेते हो, एवरेज आंसर निकालते हो। डाटा रिडक्शन से क्या मतलब है, एवरेज निकालना। उसके बाद इंटरप्रेट करते हो और इंफॉर्मेशन या डिसीजन मेकिंग करते हो। एटीट्यूड सैम्पलिंग, वेरिएबल सैम्पलिंग और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग तीनों में समझा चुका हूँ, इनकी एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपने देखने के क्या एग्जाम्पल होती है तो आपको समझ आ जाएंगे अच्छी तरीके से। बेशक इवनिंग वाले भी यहाँ से अपनी जो है वो एग्जाम्पल देख लें। उसके बाद जो है हमारे पास ये फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ सैम्पलिंग प्लान, पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, नेचर, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। सैम्पलिंग प्रोसीजर है ये हमने देख लिया। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिंपल रैंडम होगी, सिस्टमेटिक होगी, स्ट्रेटिफाइड होगी, क्लस्टर होगी। सैम्पलिंग एरर दो तरह के हो सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग एरर और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एरर। जो रैंडम सैम्पलिंग एरर है ये बेसिकली इनहेरेंट वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन एंड दे कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक। रैंडम क्यों हो रहे हैं, रैंडम हो रहे हैं क्योंकि मशीन ठीक नहीं काम कर रही होगी, ठीक है। तो आपको अच्छे प्रॉपर टेक्निक या आपकी जो टेक्निक है वो गलत हो सकती है। जैसे रैंडम एरर क्या आ रहा है कि एक बिस्किट है उसका मॉइस्चर कंटेंट 10, दूसरे का 20, तीसरे का 35, सारे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये रैंडम एरर है, ठीक है। तो इसके अंदर आप कलेक्टिंग रैंडम मिल्क सैंपल फ्रॉम डिफरेंट काउज इन अ डेयरी फार्म टू अकाउंट फॉर नेचुरल वेरिएशन इन द मिल्क कंपोजिशन, ठीक है। तो इससे एरर आ सकते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि आप अप्रोप्रिएट टेक्निक इस्तेमाल करें। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एरर आ रहा है कि उसके अंदर कंसिस्टेंट इनएक्यूरेसी है। कंसिस्टेंट इनएक्यूरेसी से क्या मुराद है कि एक जो स्टैंडर्ड है वो 5 है और जितने आपके बिस्किट हैं सारे के सारे 8 8 पे आ रहे हैं, 8 पे, 9 पे, 8 पे, 9 पे, 8 पे, 9 पे, मतलब कि हैं सारी स्टैंडर्ड को कोई भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन वेरिएशन काम है, ठीक है। तो वो सिस्टमेटिक एरर है। इस केस में हो सकता है कि आप कलेक्शन या तो आपके एनालिसिस में गलत है या पीछे से कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि मशीन ओवरऑल एक एक ही तरह का जो है ना वो एक सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, एक ही तरह का एरर तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर, ये तमाम के तमाम सैंपल के अंदर। और रैंडम एरर क्या होता है कि सारों के अंदर डिफरेंट तरह का एरर आ रहा होता है, डिफरेंट वैल्यू आ रही होती है। दैट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ओवर द व्हाट्सएप और इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।